मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मूवी के लिए, अजब तमाशा ट्रेलर लॉन्च कर दिया, शाबाश। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ हमारे अकबर बीर तकर का, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपके सामने। और सभी हमारे दोस्त हैं, आरिफ भाई, सभी हमारे सब भाई वाले जितने भी लोग भाग ले रहे हैं इस फिल्म में, रोल कर रहे हैं, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, याद किया, मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ। इतने दूर से आके मेरे को याद करे भाई तुम। नहीं, तुम क्या बोले जब इंट्रोडक्शन के, क्या बोले? ये अकबर बिन तबर है, कमर होते अच्छे अच्छों के कमर, हाँ कमर, क्या हंसा हंसा के मारते हैं लोग। ये रखते हैं अच्छे अच्छों की खबर, इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत बड़े उम्दा कलाकार हैं, हैदराबाद में बहुत नाम है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, आपके साथ हमारी दुआएं, आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू आरिफ साहब। हाँ जी बिल्कुल, ट्रेलर लॉन्च किया जाए। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। व्हाइट एंड व्हाइट, क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे तिलक शेट्टी साहब भी स्टेज पर आए और ज्योति भाई थोड़ा सा ज्वाइन हो जाए उनके साथ। और ये रख देता हूं मैं अभी, ये रहने दो आपके हाथ में भाई। भाई तिलक शेट्टी साहब, रख देते। नितिन साहब, आपने सुनील पाल साहब, दोस्तों जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा हमारे ऋतिक, जैसे कि सब हम लोग मानते हैं जॉनी वे की बिल्डिंग का नाम है ऑक्सफोर्ड, तो हम हमेशा कहते हैं हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम सबको लीवर का प्रॉब्लम है, जॉनी लीवर का। तो मैं तमाम हमारे जितने भी कॉमेडी के कलाकार हैं, खासकर स्टैंड अप कॉमेडियन, सबकी तरफ से आज इस मौके पर हमारे द ग्रेट जॉनी भाई को अपने हाथों से सत्कार करना चाहता हूँ। प्लीज आइए जॉनी भाई, जोरदार तालियां जॉनी भाई के लिए, स्टैंडअप कॉमेडियन के लिए पितामह फिश जॉनी भाई। ऐसे ही आपका साया हम पर बना रहे हैं और आप हमेशा जीव हजारों साल यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका शिष्य सुनील पाल। दे रहा हूं मैं हमारे नितिन रायकवार को आधी या घंटे, और ये शॉल का इस्तेमाल करें। और दोस्तों अब बारी है हमारे फिल्म की, इनका स्वागत जो है
तो जॉनी भाई करे। दीपक यही तुम्हारी कामयाबी है कि जॉनी भाई के हाथ से तुम्हारा स्वागत हो रहा है, ये पहला स्टेप है। तुम्हारा मुझे याद है कोई नहीं और कोई नहीं वाइफ वाइफ इसमें और जो डायलॉग था बाबा वाइफ वाइफ बोल के सुनाता हूं। मुझे पता मगर मैं नहीं कह रहा, वो मेरे दोस्त कह रहे थे। और मैं चाहूंगा कि अभी शुक्ला साहब प्लीज। हाँ भाई क्या से भाई जरा इनका स्वागत करें हमारे। बहुत अच्छा रोल किया इन्होंने, इनर वाला जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और रूबिन साहब, रूबिन साहब, रूबिन पूजा दीदी, पूजा दीदी प्लीज आप स्टेज पर आए प्लीज। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए। और मैं चाहूंगा कि हमारे रोहित प्यारे वेरी टैलेंटेड मिमिक्री आर्टिस्ट। ओके चौधरी भाई के लिए इतना ही कहूंगा। हाँ अंकल को देना है। और ये हमारे जो प्रोड्यूसर है जाती है और उसके गाने पे बूढ़े जवान बच्चे सब नाचते हैं। आई एम थैंक यू सो मच जॉनी सर, मतलब मेरा ये ड्रीम था, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी तक कि आपने मुझे लाइक इतना सम्मान दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, लव यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल। भाई आपने इनकी बात सुना, इनको लग रहा था जूनियर। और भाई का थोड़ा सा वक्त, भाई बस मैं चाहूँगा जितने भी लोग। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज बहुत ही शुभ दिन है, अजब तमाशा का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हुआ है। और ये हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि हैदराबाद की प्रोडक्शन, हैदराबाद के कलाकार आज मुंबई में अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए क्योंकि ये सिलसिला हमारी इंडस्ट्री में बहुत कुछ लाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, हैदराबाद की इंडस्ट्री और हमारी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री अगर मिल जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज हमारे जॉनी लीवर साहब, सुनील पाल साहब और तमाम कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े पर्सनलिटीज आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और चूँकि मेरा ये गोल्डन जुबली ईयर है, मुझे लाइफ के 50 साल होने जा रहे हैं इस अक्टूबर 2023 में। मैं 50 साल का गोल्डन जुबली एक्टर हो जाऊंगा। मैं इस बात से मैं बहुत खुश हूं। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। आइए, मैं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और अजब तमाशा की जो फिल्म बनी है इसमें हैदराबादी मुंबई मिक्स है, तो मैं इस पूरे टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, कहूंगा आप जियो हजारों साल, कमाओ माल पे माल, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो या हैदराबाद रहो, ऑल द बेस्ट। ATM अजब तमाशा मूवी, कमाओ कमाओ। बहुत अच्छा संगम है ये, बहुत अच्छा संगम है ये। मैं समझता हूँ कि जैसे हिंदू मुस्लिम है वैसे HM, हिंदू मुस्लिम HM, वैसे हैदराबाद मुंबई का ये मिक्सर है, मिशन है, ये मिलकर पूरे कायनात को बहुत खुशी देंगे। और फिल्म जो हमारे अकबर बिन तमर जो बहुत अच्छे एक्टर हैं हैदराबाद के, और उनकी पूरी टीम ने जो सजाई है, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ऋतिक जो हमारा जूनियर दोस्त है मेरा, हेलो, ऑल द बेस्ट। दोस्तों नाश्ता तैयार है, प्लीज आप अपने अपनी सीट पर बैठे। नाश्ता आ गया, प्लीज होता है खास करके मुंबई में रिलीज हो रहा है तो कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को। सबसे पहले
अपने किरदार के बारे में हाय दिस इज ऋतिक और मैं ऋतिक शर्मा हूं और मैं अभी काम करने का मेरे को सौभाग्य मिल रहा है इस मूवी में जो बॉलीवुड मूवी है और एक हैदराबाद के अंदर एक बॉलीवुड मूवी होने जा रही है और जिनके प्रोड्यूसर है हमारे अनिल क्या नाम है अमित कुमार अग्रवाल जी और हमारे डायरेक्टर नईम अहमद जी और हमारी एक्टर जो तनुजा ठाकुर मेरा नाम ऋतिक है और मेरे को सौभाग्य है कि इस मूवी के अंदर काम करने का सौभाग्य मिल रहा है और मैं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मतलब बता नहीं सकता आपको कि मतलब अंदर से कितनी खुशी है जो इतनी बड़ी मूवी होने जा रही है और बहुत ज़्यादा खुशी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा और आप सबसे यही कहूँगा कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपना प्यार दें। धन्यवाद। अजब तमाशा। पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला हमारे अमित सर अग्रवाल जी ने, जो हमको बहुत मज़ा आया लाइक मूवी के दौरान। आपको भी मूवी देख के बहुत मज़ा आएगा और ये मूवी में बहुत सारे लाइक ट्विस्ट एंड कॉमेडी है, सस्पेंस है और कॉमेडी है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है और इस मूवी को ना फैमिली देख सकती है। जैसे कि आजकल मैं बोलूँगा तो नहीं, बहुत सारी मूवी होती है जिसमें बल्गर टाइप होता है, तो इसमें बल्गर कुछ भी नहीं है, पूरी फैमिली देख सकती है इसको, बैठ के बच्चे से लेके बड़े तक देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं इस मूवी को देख के। नहीं नहीं, मैंने ऋतिक का मतलब रोल तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऋतिक रोशन जी का मैं उनका नहीं कर रहा हूँ इसमें रोल। अदरवाइज इसमें एक मेरा जो करेक्टर है वो एक इनोसेंट है और मेरा भूलने की मेरे को एक आदत होती है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा है। और मतलब जो इसका सस्पेंस है वो बहुत प्यारा सस्पेंस है, जो स्टोरी लिखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लिखी गई है, बहुत अमेजिंग मूवी है। जब देखेंगे आप तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ वाह ये मूवी बनी। जी कॉमेडी कितना डिफिकल्ट होता है? हाँ वो तो बहुत डिफिकल्ट है, बट हमारे मेन कॉमेडी स्टार जो तबड़ जी है उन्होंने बहुत इजी कर दिया हमारे लिए कॉमेडी जो करना। मगर इसमें एक जो करेक्टर है कॉमेडी करेक्टर है वो जो प्रोड्यूसर है उनका करेक्टर है, मतलब कि वो जो बालों का जो लेके आते हैं ना वो जबरदस्त अलग ही, मतलब कि कुछ अलग किया है अपनी बारी जो इसके अंदर किया हुआ है। कॉमेडी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, हंसते हंसते मतलब कि पेट में दर्द होने वाला है सारी मूवी। क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए इस मूवी को, जो कि हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐसी और मूवीज़ लेके आए, हमारे प्रोड्यूसर और हमारे डायरेक्टर साहब और हमारी टीम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ लेके आए, बस यही कहना चाहेंगे। एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका और जितने भी कैमरामैन हैं सबका धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये हैदराबादी फिल्म है, हैदराबाद के कलाकार हैं, बट ये हिंदी फिल्म है और ये सबसे इतिहास में पहली फिल्म है जो हैदराबाद की, जो अमित कुमार अग्रवाल साहब जो प्रोड्यूसर हैं, नईम अहमद साहब इसके डायरेक्टर हैं और हमारे अकबर बिन तबर इसके कॉमेडियन हैं और जितने भी लोग हैं ये लोग, इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि बॉलीवुड में इतिहास रच दिया इसने, क्योंकि पहली बार हैदराबाद के कलाकारों की हिंदी मूवी का ट्रेलर जो लॉन्च हुआ वो भी जॉनी लीवर साहब जैसे हमारे लीजेंड कॉमेडियन के हाथ से, तो यही सबसे बड़ी बात है। और ये फिल्म बड़ी अजब लगी, गजब लगी लोगों को और लोगों को एंटरटेनमेंट लगा और जॉनी भाई देखकर भी इसको बहुत खुशी है। जॉनी भाई को, हमारे सुनील पाल साहब को, हमारे रमेश गोयल साहब को और हमारे जितने भी सेलिब्रिटी नितिन राय कुमार वगैरह सब आए, इन सबको बहुत अच्छी ये फिल्म लगी और मैं चाहूँगा कि आप जॉनी भाई से दो लाइन। ठीक है, जी जी, ये बहुत खुशी की बात है जब भी हमारे कुछ कॉमेडियन भाई लोग मिलकर कोई कॉमेडी का होता है काम, कॉमेडी फिल्म बनती है या कॉमेडी का कोई भी बिजनेस होता है, प्ले हो, मूवी हो, वीडियो हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है एज अ कॉमेडियन, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। और अकबर बिन तबर हैदराबाद के क्या बताऊँ, वहाँ के सुपरस्टार हैं और आरिफ अनिल कपूर हमारे आरिफ साहब ये लोकल लाइक के गॉडफादर हैं, सबसे बहुत सबका ख्याल रखते हैं
और ये कॉमेडी फिल्म जो भी आपने ट्रेलर देखे, ये फिल्म ऐसी फिल्में बननी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोग हंसे इंजॉय करें। क्यों आज चाहिए इतने टेंशन में, एक कॉमेडी होनी चाहिए, लोगों तक कॉमेडी पहुंचे, लोग ज़रा गुदगुदाए हंसे तो ज़रा अच्छा लगता है। लोगों की दुआएं लो भाई, लोग जब खुश होते हैं वो बड़ी बात, वर्ल्ड की दुआ ले रहे सब। रोनी भाई, हमने देखा है कि कभी भी मतलब ना आपने कभी भी ऊंच मतलब देखा नहीं है ऐसा कि बहुत बड़ी फिल्म है या कोई छोटी फिल्म है, यू ऑलवेज देयर टू सपोर्ट जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है या कॉमेडी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, आप हमेशा जो वक्त निकालते हो। हाँ, तो क्या कहना, वक्त निकालना पड़ता है क्योंकि हम तो जमीन से आए ना, हमें कोई खड़ा नहीं करता था, ऐसा समय था तो हम लोग बहुत ही ज़मीन से आए हैं, बहुत तकलीफ से मतलब बहुत ही स्ट्रगल से मेहनत करके आए, तो वो उसको हम अभी तक भूले नहीं, तो खुशी होती है। हमारे भाई लोग बुलाते हैं तो छोटा बड़ा क्या होता है, आर्ट आर्ट होता है, टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड, खुदा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, तो इससे मोहब्बत होनी चाहिए, लोग मोहब्बत करते हैं और लोगों के सामने लोगों ने हमेशा हमें उठाया है और ये लोग प्यार करते हैं, बड़ी बात है, तो उन्हीं की मोहब्बत उनका प्यार खींच लाती है। कितना अच्छा कह सकते हैं, जब हम पैन इंडिया की बात करें, पैन इंडिया फिल्म, तो एक हैदराबाद की फिल्म है जो यहाँ पर आ रही है मुंबई में, तो लोगों को काम भी मिलता है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए क्योंकि हैदराबाद में बहुत अच्छा, हैदराबाद में इतनी कॉमेडी फिल्में बनती है, कमाल कमाल की फिल्में बनती है और हैदराबाद की फिल्में पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है, बिल्कुल पूरी दुनिया में देखी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है, और वो हमसे जुड़ जाए तो कॉमेडी में एक इजाफा होगा, बढ़ावा होगा और मज़ा आएगा और अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। अब आप भी हैदराबाद के जो एक दिग्गज कलाकार हो, जॉनी भाई यहाँ पर साथ में है, वो पूरे पैन इंडिया के वर्ल्ड यू कैन से इंटरनेशनल लेवल तक आज यहाँ पर आए, क्या कहना चाहोगे सबसे पहले, इस तरह से उनका धन्यवाद करें। पहली बात तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगा और साथ में जानी भाई का शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि जानी भाई आज ये जानी भाई है बोल के ये चमक दिख रही है आपको आज, ये जो लाइटें दिख रही है, जो चमक दिख रही है लोगों के चेहरे पे, जो खुशी दिख रहे भाई, अभी कम से कम एक 200 लोगों को सेल्फी, 300 लोगों को दिए होंगे भाई, मगर किसी को भी इनकार नहीं करे ना, किसी को सब बाजू खटके खड़ो बोले, अगर कोई दूसरे एक्टर्स होते तो बोलते भाई चलो ना यार, कितना लेट कर रहे हो यार, क्या यार, तो ये मैं देखा हूँ क्योंकि हमारे हैदराबाद में जब जानी भाई आते हैं तो ये आप ही का कमाल है, लोग लींबू घुमाते ना, इन्होंने संतरा घुमाया है। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे हैदराबाद में जानी भाई जब भी आते हैं हमारा हैदराबाद जगमगाता है, हमारा हैदराबाद के लोग मुस्कुरा देते हैं। अभी देखिए जानी भाई को मैं खास एक छोटी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, टीवी पे जब जाने, ओ माय गॉड, इधर ही देखो, जब भी जानी भाई को टीवी पे कोई देखते हैं तो अगर मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो गया, इधर कोई बैठा है हस्बैंड, इधर बैठी है वाइफ, जैसा जानी भाई टीवी पे अगर आ गए तो दोनों पास आ जाते हैं। तो वो जानी भाई है, ये बहुत बड़ी दुकान है भाई और ये ऐसी दरगाह है यहाँ पर हर कोई चादर चढ़ाना पड़ता है, ये कॉमेडी की दुनिया है ये, और हम इनके शागिर्द हैं, यानी कि हम इनके बच्चे हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी किसी को मैं बड़ा नहीं बोलता, मैं जानी भाई को इसलिए बड़ा बोलता हूँ क्योंकि जानी भाई के अलग है भाई लोग, ये बॉम्बे के लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है मेरे को, नहीं मालूम, सारी दुनिया के लोगों को तो मालूम है, जानी भाई की दुआ ले लो, जब तक लोग जिंदा हैं वो जानी भाई की दुआ ले लो, ले लो, सुखी रहेगा बस। मैं सारे बॉलीवुड को, अरे मैं लोगों की दुआओं से हूँ भाई, क्या दुआ लो बोल रहे हो, और लोग बोलेंगे हम दे रहे, हमको दुआ दे रहे तू जानी भाई हमारे से लेके। फिल्म के जो हीरो है काफी मिलते जुलते, ऋतिक रोशन, आपके बाजू जो बैठे हैं वो अनिल कपूर के लोग चलाएंगे, आपके भी यू नो मतलब जॉनी लीवर, बहुत सारे ऐसे लोगों को देख कर, यही तो देख कर समझ में नहीं आता कौन पार्ट टाइम किधर किया क्या हुआ, यू नो। तो भाई ये लोग जो है, जैसे आरिफ खान जो है, अनिल कपूर के लुक आए, अनिल कपूर की आत्मा को इन्होंने ऐसा वो क्या करते हैं, कब्जा कर लिया है ना, रूह अफजा पीते ना आप, ये रूह कब्जा है, इन्होंने अनिल साहब को ऐसा अंदर ले लिया, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी मोहब्बत करते हो अनिल कपूर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आत्मा अंदर ले, आपको मालूम है अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई किसी की कॉपी करके उन पर कुछ करता है
प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कॉपी करता है, प्रेसिडेंट अपने घर बुलाता है, अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसकी इज्जत करता है, उसको खाना खिलाता है, उठा के ऐसी इज्जत करते हैं जो कॉपी करने वाले बोले यार ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरी इतनी कॉपी कैसे हुबहू कॉपी कैसे कि वो है। और इनके साथ जितने भी लुकल लाइक्स हैं हमारे कमाल के, कोई शत्रुघ्न सिन्हा है, कोई शाहरुख खान है, कोई अनिल कपूर, कोई ये वो, ये लोग सब क्या है और इनको लोग देखना चाहते हैं और वो जाते हैं अटेंटिव, वो परफॉर्म करते हैं, लोग पसंद करते हैं उनको, ये बहुत बड़ा आर्ट है, मैं कदर करता हूँ और कदर करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, कल जैसे कि हमारे बीच सतीश कौशिक भी नहीं रहे हैं, आप भी वहाँ पर थे जी, आप उनकी फिल्म भी कर रहे हो, उनको एक दुखद का माहौल है बड़े से। नहीं नहीं, सतीश कौशिक साहब जो है वो हमारे कॉमेडी की दुनिया के एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे, बल्कि बड़े डायरेक्टर भी थे और बहुत अच्छे एक्टर थे और बहुत ही स्ट्रांग फनकार थे, बहुत ही बड़े ऊंची सोच वाले थे, उन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा जो बनाए थे और बहुत बड़ी फिल्म थी, वो चली नहीं, बात अलग है, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी, क्या सेट लगाया था, कितनी मैंने काम भी किया उसमें, क्या सेट लगा, करोड़ों रुपये खर्च किए थे, वो फिल्म चली नहीं, हर फिल्म में कुछ ना कुछ होता है, तो वो हम मिस कर रहे हैं, हमको बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, हमने एक बहुत बड़ा कलाकार खोया है इंडस्ट्री को, अभी उनकी अपनी बड़ी कंपनी है, उनमें कुछ चार पांच फिल्में वो रिलीज कर रहा है, मैं क्या मेरा बेटा भी कर रहा था, हाँ वो करेंगे अपना, क्या नाम है, जयंती लाल भाई करेंगे, कहते हैं वो करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका होना ज़रूरी था। लास्ट एक शुभकामना है फिल्म को एक्चुअली और उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ मुंबई में हमारे अकबर बिन कबर का, बहुत अच्छे फनकार हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये तो अभी आपने देखा कुछ भी नहीं है, इनके अंदर बहुत ही खजाना है, ये देख रहे साइंस, इससे बड़ा खजाना है, खाते पीते घर के, बड़ी जायदाद, खाते पीते घर के बोल के पेट निकला, अब क्या लेबरों को निकलेगा, ये गजब के आर्टिस्ट है, इसलिए अजब तमाशा के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं है, सभी फनकार जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे भाई क्या बोले, अरे इन हैदराबाद के किंग है भाई, हाँ यहाँ आए बोल के, यहाँ इन्होंने यहाँ पे लैंड करे ना, अब देखो कैसा टेकअप होता, अब टेकअप कैसा था देखो भाई, बहुत अच्छे कॉमेडियन भाई, हमारे को खुशी होती है ना हमारे हैदराबाद के, अच्छा ये बोल रहे हैदराबाद, इनको क्या मैं उधर ही का हूँ, ओंगोल के, मैं ओंगोल का हूँ, आंध्र प्रदेश का हूँ, नहीं वो जो टोन है ना हैदराबाद की, हम तो हैदराबाद, मेरी बहन वहाँ रहती है, जाना पड़ता है, मैं हैदराबाद उतरते ही हाओ हाओ भाई क्या हो रहा हो जाता मैं। अजब तमाशा ये हमारी मूवी है, आई एम श्योर पब्लिक को बहुत पसंद आएगी बिकॉज इसमें बहुत से तमाशे हैं, तो आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, जब रिलीज़ होगी प्लीज़ जाइए देखिए, यू विल इन्जॉय। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा हम लोग एक्चुअली मीडिया से हैं, ये इंडिया न्यूज़ से, मैं आज तक चैनल से हूँ और हम लोग फर्स्ट टाइम इस मूवी में काम कर रहे हैं, मतलब इस फिल्म में जो मीडिया वाले हैं उनको भी लिया गया है और काफ़ी सारे हमारे अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसने नवाब की वाइफ का इसने रोल किया है, मैंने जो है नवाब का जो नवाब को बिगड़ाता है वो एक अलग कैरेक्टर है, ऐसे हमारे अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो ये फिल्म जो है बिल्कुल ही पक्की मतलब बेस्ट रहेगी। बेस्ट पार्ट ऑफ हमारा मूवी है हमारे समर में यहाँ, तो आप इनका कैरेक्टर बहुत इन्जॉय करेंगे। ट्रेलर तो आउट हो गया है, ट्रेलर के बारे में अब आप लोग खुद ही राय दे दो क्या है, बाकी पूरी पिक्चर में आप देखने जाओगे तो मतलब कॉमेडी ऐसा भरा है कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा। अकबर भाई है इसमें, तवर भाई जो कि कॉमेडी के इतने बड़े बादशाह हैं, तो उनकी कॉमेडी, बाकी जो कैरेक्टर्स है, भाई का कैरेक्टर मतलब बहुत प्यारा है, मुझे अच्छा लगा। बाकी मैंने जो कैरेक्टर किया है वो मैं खुद से हट के थोड़ा किया हूँ, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर तो मैंने काफ़ी प्ले किए बट ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मेरे लिए भी थोड़ा टफ था, लेकिन अब जैसा है आप लोग के ऊपर है, ज़रूर देखने चाहिए। थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं तहे दिल से हैं, आजकल का जो माहौल चल रहा है वो टेंशन के माहौल में ऐसी मूवीज़ बहुत ज़रूरी है हंसने खेलने के लिए, और कॉमेडी के लिए तो
हर कोई इंसान भागता है पिक्चर देखने के लिए, और मेरे दिल से यही दुआ है कि लोगों को ऐसे ही ये मूवी बनती जाए कॉमेडी, हर किस्म जो भी मूवी है उसमें कॉमेडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे इंसान टेंशन फ्री होता है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई इंसान हंसता रहे, मेरे तहे दिल से यही दुआ है। और कॉन्ग्रेचुलेशन और मेरी शुभकामनाएँ इस मूवी के साथ हैं कि आप लोग जाइए और देखिए और एंजॉय करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। खुशी मतलब बहुत बहुत खुशी जानकर, मतलब दीपक ने इतना अच्छा मूवी किया, बिल्कुल ऋतिक हा छुपर उत्तम निकले, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किसी को खबर आया कि ये इतना अच्छा मूवी करने वाले हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर बेस्ट एक्टर, मुझे बहुत मज़ा आया। अगर इसमें कोई हॉट सा सेक्सी वाला सॉन्ग होता ना तो मैं इनका सॉन्ग जरूर प्ले करती है अपने हर शो पे। नेक्स्ट मूवी में जरूर ऐसा कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आप लोग को सबको तो पता है जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर ब्लेसिंग के लिए जाती हूँ। और ये है जो ऋतिक, ये मेरे बेटा की जैसा है, मेरे बच्चा की जैसा है, मेरे भाई भी मानते हैं, मेरी बहन भी है, मेरे भाई भी है, मेरे बाबा भी है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत है। ये मैं एक दो शब्द में बोल नहीं पाएंगे। फिर बोला है दीदी मेरा एक टेलर आ रहे हैं, प्लीज़ आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने मेरा इवेंट छोड़ के मैं चली आई, क्योंकि ये मुझे जितना है रिस्पेक्ट करते हैं अभी भी कोई नहीं किया, आप लोग नहीं जानते, इसलिए मैं चली आई उसका ब्लेसिंग देने। थैंक यू सो मच। मैंने ब्लेसिंग दिया, फिर आप लोग भी ब्लेसिंग देना। मैं इस न्यूज के माध्यम से, आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा, दीदी को बहुत प्यार मिलता है और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है, दीदी को बाहर भी बुलाते हैं लोग और ब्लेसिंग के लिए, और ये कभी भी किसी से कुछ पैसे वगैरह स्टेप से नहीं मांगते, सिर्फ ब्लेसिंग देते हैं, और इनकी ब्लेसिंग है ना लगती है। और मुझे पता है इस मूवी के लिए इनकी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली है, और मैं यही कहूँगा कि दीदी ब्लेसिंग दो कि हाउसफुल रहे, बस आ गया। थैंक यू, ब्लेसिंग देना। तनुजा ठाकुर एक्ट्रेस हमारी मूवी की, इसको भी ब्लेसिंग दो। And thank you so much. Thank you. इस फिल्म में देखिए अभी जो मैंने एक्टिंग करी है, एक कॉमेडी का रोल है इसमें, थोड़ा छोटा सा रोल है मेरा भी, और कुछ पिक्चर को मैंने बाबा की कृपा से प्रोड्यूस भी किया है। बस आप लोगों का प्यार चाहिए और दुआ चाहिए कि पिक्चर थोड़ा आगे से आगे चले, क्योंकि ये पिक्चर पे देखिए जितने भी है, एक तो कोई आर्टिस्ट मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, और एक थोड़े अपने हैदराबाद के आर्टिस्ट है, बट ये पिक्चर जो बनी है पूरी बॉलीवुड मूवी है। ये अपने को देखिए अभी 1.5 मंथ में हो जाएगा, अभी सब कुछ हो चुका है, रेडी हो चुका है, तो रमज़ान के मुझे ट्रिम करेंगे। ऋतिक शर्मा का सिलेक्शन देखिए हमारे जिसने आरिफ भाई जो है अपने अनिल कपूर जी के लुक अलाइक उनके थ्रू आए थे, तो उनका सिलेक्शन भी हमने 4-5 कैरेक्टर्स को देख करके फिर करके इनका जो इनके कैरेक्टर पे शूट करता है हम उनके लिए भी फाइनल किए थे इसके लिए, और बाबा की कृपा से बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा जाएगा भी है। जॉनी भाई का तो हम शुक्रिया अदा कर भी नहीं सकते पहली बात तो, क्योंकि देखिए हम वो हस्ती है नहीं जो उनका शुक्रिया अदा हम कर सके, उनका एहसान और वो जो अपना टाइम निकाल के, कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं, और कॉल्स पे जो हमसे बात करते हैं, इतना अच्छा से बात करते हैं, टाइम देते हैं अपना, तो उनके जैसा इंसान तो देखिए जहाँ तक अभी तो मैंने पर्सनली देखा नहीं हूँ, पर बहुत अच्छे बहुत प्यारे इंसान हैं, कॉमेडी और हंसाते हैं और बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं।